आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं शिव्यांशी कक्षा 10वीं बी की छात्रा आज भारत के महान क्रांतिकारी राजगुरु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शिवराम हरि राजगुरु उन क्रांतिकारियों में प्रमुख रूप से शामिल है जिनका बलिदान देश को आजाद करवाने में अहम योगदान रखता है। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा गांव में, जो कि अब राजगुरु गांव के नाम से जाना जाता है, पिता हरिनारायण राजगुरु तथा माता पार्वती देवी के यहां हुआ। राजगुरु 6 वर्ष के ही थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारियां बड़े भाई दिनकर पर आ गई। राजगुरु बचपन से ही निडर, साहसी और नटखट थे। इनमें जन्म से फूट फूट कर ही देशभक्ति भरी थी। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों को बहुत ही कम आयु में कंठस्थ भी कर लिया था। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में दाखिल हुए। राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। वह चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित थे कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में जुड़ गए। 1925 में खोपड़ी कांड के बाद इनकी मुलाकात मुनीश्वर अवस्थी से हुई और उनकी सहायता से राजगुरु इस संघ में जुड़ गए। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा एक नए कमीशन की योजना हुई जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसका विरोध पूरे भारत वर्ष में हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में बहुत ही बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें कि पुलिस अफसर स्कॉट ने भीड़ पर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया। इसमें लाला लाजपत राय को बहुत सी चोटें आई और कुछ दिन बाद उनका देहांत हुआ। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ने उस पुलिस अधिकारी को मारने का प्लान बनाया। पहचान की गलती से स्कॉट की जगह पर पुलिस अफसर सैंडर्स पर राजगुरु ने गोली चला दी और वह मारा गया। फिर इसी के चलते 30 सितंबर 1929 को पूना जाते समय एक गुप्तचर द्वारा पुलिस को सूचना देने पर राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र के तहत केस चलाया और 7 अक्टूबर 1930 को राजगुरु को सैंडर्स की हत्याकांड में फांसी की सजा सुना दी गई। तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा होनी थी, परंतु भारतवर्ष में इतना ज्यादा विरोध हुआ कि एक दिन पहले ही 23 मार्च को तीनों को लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई और भारत मां के ये सपूत हमेशा के लिए अमर हो गए। धन्यवाद।